राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती, पीएम मोदी ने राजघाट पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी, नमन किया, ट्वीट कर लिखा, बापू का जीवन हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अब से कुछ देर पहले राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोपहर 3:30 बजे जवाहर भवन में कांग्रेस ने महात्मा गांधी जयंती पर कार्यक्रम रखा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचे और पुष्प अर्पित कर बापू को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान उपवास रखकर गांधी जयंती मनाएंगे। राकेश टिकैत के मुताबिक हवन का भी आयोजन होगा। गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी आज जल जीवन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष की शुरुआत करेंगे। ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के साथ संवाद भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे लाल किले से एनएसजी की कार रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की साइकिल रैलियों का स्वागत भी करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 2 बड़ी बैठक की। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की महासचिवों के साथ बैठक हुई तो अमित शाह ने मणिपुर को लेकर मीटिंग की। भारी बारिश की वजह से केंद्र सरकार ने एमएसपी पर धान खरीद की तारीख आगे बढ़ाई। खरीफ फसलों के देरी से पकने का हवाला दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का विवाद पैदा करने वाला बयान, गुटखा और पान खाकर थूकने वालों पर लगाम लगाने के सवाल पर बोले, ये समस्या उत्तर भारतीयों में ज्यादा है। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की बिक्री पर अभी फैसला नहीं। दीपम के सचिव ने मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया, कहा जब सरकार फैसला ले लेगी तो जानकारी दी जाएगी। दुबई एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन का केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वर्चुअली संवाद किया। पीएम मोदी बोले, दुबई एक्सपो में भारत का सबसे बड़ा पवेलियन, लोग जाएं और भारतीय पवेलियन देखें। खुलापन, संभावनाएं और वृद्धि है हमारी थीम। दुबई एक्सपो 2020 में दुनिया देख रही है भारत की संस्कृति, तकनीकी में तरक्की का अनूठा संगम। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के साथ अबूधाबी में बन रहे पहले हिंदू मंदिर और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की भी झांकी बनाई गई। यूपी सरकार ने मनीष गुप्ता मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की। कानपुर के मनीष के गोरखपुर के होटल में कथित तौर पर पुलिस की पिटाई से मौत हुई थी। यूपी सरकार ने कहा, जब तक सीबीआई मामले को अपने हाथ में नहीं ले लेती तब तक मनीष गुप्ता मौत मामले की जांच एसआईटी आगे बढ़ाएगी। गोरखपुर से कानपुर स्थानांतरित होगा केस। मनीष गुप्ता की पत्नी को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी पद पर नियुक्ति मिलेगी। परिजनों को 40 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए भी सीएम योगी ने निर्देश जारी किए। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के आरोपी पुलिस वाले 4 दिन बाद भी नहीं हो पाए गिरफ्तार, अब तक सिर्फ सस्पेंड किए गए हैं। मनीष का परिवार कह रहा है इंसाफ की मांग। मनीष गुप्ता की मौत मामले पर राजनीति भी तेज। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा आरोपियों को बचा रहे वसूली तंत्र से जुड़े लोग। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अजीज कुरैशी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कुरैशी पर सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। अभिनेत्री कंगना रनौत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, बोली रामचंद्र की तरह तपस्वी राजा का यूपी में रहे राज। यूपी के शामली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 4 लोगों की मौके पर मौत, कई लोग बुरी तरह से घायल। धमाके के वक्त 10 मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। पंजाब के सियासी घमासान के बीच सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली बैठक। चन्नी ने पीएम के सामने कृषि कानून समेत 3 मुद्दे उठाए। सीएम चन्नी बोले, पीएम मोदी से कृषि कानून विवाद खत्म करने और किसानों से बात करने की अपील की। एमएसपी पर धान खरीद की अनुमति देने और करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पंजाब के सीएम चन्नी ने नवजोत सिद्धू से जुड़े सवालों पर कन्नी काटी। सिद्धू को लेकर सवाल पूछा गया तो बिना जवाब दिए निकले।
नवजोत सिंह सिद्धू पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बयान, कहा सिद्धू राष्ट्रवादी हैं, किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। कैप्टन अमरिंदर पर बोले हरीश रावत, कांग्रेस ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, दो बार सीएम बनाया, कैप्टन अपनी बातों पर विचार करें, किसी के बहकावे में ना आए। हरीश रावत के बयान पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पिछले कुछ महीनों से मुझ पर वफादारी का दबाव था, आलोचक भी मेरी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकते। अमरिंदर का सिद्धू पर फिर निशाना, बोले कांग्रेस में सिद्धू की क्या पकड़ है, उसे तानाशाही करने की इजाजत क्यों दी जा रही है, पूरी दुनिया ने मेरा अपमान देखा, हरीश रावत ने मुझे कोई फोन नहीं किया। कैप्टन के चैलेंज पर बोले सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा, कैप्टन जहां चाहे वहां से लड़ने सिद्धू के सामने चुनाव, परसों कैप्टन ने सिद्धू को चुनाव नहीं जीतने देने का दावा किया था। पंजाब सरकार ने 2015 के बेअदबी के चार मामलों में सीनियर वकील राजविंदर सिंह बैंस को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया। पंजाब संकट के बीच छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान बढ़ा, छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन कांग्रेस विधायक दिल्ली पहुंचे, भूपेश बघेल गुट के 20 से ज्यादा विधायक पहले से दिल्ली में मौजूद। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की, पंजाब की हलचल पर नहीं की कोई टिप्पणी, कहा बोलने लायक कुछ नहीं है। महाराष्ट्र की खबरों से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। दिल्ली एनसीआर पर महंगाई की एक और मार, सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े, दिल्ली में एक किलो सीएनजी अब 47.48 रुपए की, तो नोएडा और गाजियाबाद में एक किलो के लिए चुकाने होंगे 53.45 रुपए। दिल्ली में पीएनजी 2.10 रुपए महंगी हुई, दिल्ली में 33.01 रुपए नया दाम, तो नोएडा और गाजियाबाद में 32.86 रुपए चुकाने होंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, ट्वीट कर कहा रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, पेट्रोल दामों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार, सारे गलत रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार। किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जंतर मंतर पर धरने की इजाजत मांगने पर कहा आपने पहले ही हाईवे रोक रखे हैं, क्या आप शहर के अंदर प्रदर्शन करना है, सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सभी का अधिकार, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान और सुरक्षा कर्मियों पर हमले करने का नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कोर्ट में प्रदर्शन की इजाजत मांगने वाले किसान संगठन से आंदोलन को कोई लेना देना नहीं, सब कुछ सरकार के ऊपर, सरकार बात मान लेगी तो वापस चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, कहा याचिकाकर्ता किसान महापंचायत से हमारा कोई लेने देना नहीं, कृषि कानून पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। दिल्ली सरकार ने पीतमपुरा के बाल भारती पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द की, बार बार चेतावनी के बावजूद फीस बढ़ाने और नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई हुई। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पहली कट ऑफ लिस्ट जारी की, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स की पहली कट ऑफ लिस्ट, कई कॉलेज में 100% तक की कट ऑफ लिस्ट, 4 अक्टूबर से शुरू होने हैं दाखिले की प्रक्रिया। दिल्ली में कोरोना मामलों में घटौती के बाद सभी धार्मिक स्थल खोले गए, लेकिन नियमों का कड़ाई से पालन जरूरी, त्योहारों के दौरान मेलों, खाने के स्टॉल, झूलों, रैलियों और जुलूस की अनुमति नहीं होगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के विदेश भागने की आशंका पर सियासत गर्म, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर परमवीर की मदद का आरोप लगाया, परमवीर के यूरोप में होने का दावा। गोवा में शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा गोवा में शिवसेना की सरकार बनी तो गोवा को कैसीनो मुक्त करेंगे। मुंबई में 7 अक्टूबर से खोले जाएंगे सभी धार्मिक स्थल, बीएमसी ने आदेश जारी किया, अभी सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही धार्मिक स्थल को खोलने की इजाजत। जख्मी पैर के साथ भी केबीसी की शूटिंग में व्यस्त है अमिताभ बच्चन, अमिताभ ने अपने ब्लॉग में इसकी तस्वीरें साझा की, पैर की उंगली के फ्रैक्चर होने के बाद ब्लॉग में लिखी। भारी बारिश के बाद बाढ़ से बेहाल पश्चिम बंगाल, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों के लिए सेना की 7 टुकड़ियां तैनात। सीएम ममता बनर्जी आज हावड़ा, हुगली, पुरुलिया, बांकुरा और मेदिनीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे।
पश्चिम बंगाल में नवरात्र से पहले भक्तों को सरकार की राहत। नवरात्र के दौरान नाइट कर्फ्यू में ढील होगी। 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक लोगों को मिलेगी छूट। जेडीयू ने नीतीश कुमार के शासन की तुलना गांधी जी से की। तस्वीरों के जरिए नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बिहार के बेगूसराय में स्कूली बच्चों की एक बस पानी से भरे गड्ढे में गिरी। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से 30 से ज्यादा बच्चों की जान बचाई गई। नेशनल हाईवे 31 की घटना। पटना में ₹2,000 में बनाई जा रही थी फर्जी कोरोना रिपोर्ट। राजा बाजार स्थित प्लाज्मा डायग्नोस्टिक सेंटर छापेमारी के बाद हुआ सील। ABP News आपको रखे आगे।